नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्राणनाथ चंद्रा और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम आउटलुक में जनरल एंट्री के साथ काम करते हैं। तो जनरल एंट्री के साथ काम करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि जनरल एंट्री होती क्या है। जनरल एंट्री एक तरह से रिकॉर्ड होता है कि आपने कितना काम किया, किस किस समय काम किया और कौन सा काम किया, किस काम को आपने कितने टाइम दिया है, कौन सा अपॉइंटमेंट दिया है, फोन कॉल में आपने कितनी बात की है, किनको किनको मैसेज किया है। तो यह एक तरह का हिस्ट्री होता है, एक तरह का हिस्ट्री या रिकॉर्ड होता है जो आपके सारे कामों का एक लिस्ट बनाता है टाइम के साथ में। इससे आपका जो मैनेजर रहता है या आपका जो ऑनर रहता है कंपनी का, वो ये अंदाजा लगा लेता है कि आपने किस काम को कितना टाइम दिया, आपने कौन सा काम किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम जनरल एंट्री किस तरह से बनाते हैं। जनरल एंट्री बनाने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है। सेटिंग्स के लिए आप जाइए टूल्स, टूल्स में जाइए ऑप्शन, ऑप्शन में जाने से एक बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे देखिए जनरल ऑप्शन दिख रहा है। जनरल ऑप्शन में आप किस किस चीजों का ऑटोमेटिक जो है रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, तो ईमेल का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं ईमेल में क्लिक कीजिए, मीटिंग का बनाना चाहते हैं मीटिंग में, जिन जिन चीजों का ऑटोमेटिक रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं उन्हें आप रिकॉर्ड कर लीजिए या चेक कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि देखिए यहाँ से मैंने एमएस वर्ड किया है चेक, तो एमएस वर्ड होगा, और पावर पॉइंट को चेक करूंगा तो पावर पॉइंट में अगर काम करते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड बनेगा। एक्सेल में चेक करता हूँ तो एक्सेल का रिकॉर्ड बनेगा, अगर एक्सेस को चेक करता हूँ तो एक्सेस का रिकॉर्ड बनेगा। तो अभी मैं सिर्फ वर्ड का ही मैं रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तो इससे होगा क्या कि अगर मैं पावर पॉइंट में काम करूंगा तो रिकॉर्ड में दिखाई नहीं देगा। तो मैं सिर्फ वर्ड के काम का रिकॉर्ड बनाना चाहता हूँ, तो वर्ड को क्या कर लिया, चेक कर लिया और ओके कर लिया। यहां से ओके कीजिए और बाहर आ जाइए। अब आप कोई काम कीजिए, इसे क्लोज कर दीजिए। अब मैं वर्ड ओपन करता हूं और ये देखिए मैंने वर्ड ओपन किया। वर्ड ओपन करने के बाद इसमें मैं कुछ लिख देता हूं, और इस काम को मैं क्या करता हूं सेव कर देता हूं। कहां करता हूं, डेस्कटॉप में। देखिए इसे मैंने सेव किया, और ये मैंने वर्ड में थोड़ी देर काम किया है तो इसका एक रिकॉर्ड बन जाएगा कहाँ पे, आउटलुक में। इसे मैं क्लोज किया। अब मैं चलता हूँ फिर से कहाँ, आउटलुक। ये देखिए आउटलुक ओपन हो गया। आउटलुक ओपन होने के बाद मैं जो जनरल एंट्री से देखने के लिए जाऊंगा कहाँ, गो मेन्यू। गो मेन्यू में आपको एक जनरल ऑप्शन मिलेगी, देखिए जनरल दिख रहा है। अब जैसे ही जनरल पे क्लिक करते हैं ये देखिए एक बॉक्स ओपन होता है और आप इसे क्लिक कीजिए तो एक डिटेल आपको दिखेगा। और ये देखिए मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट ओपन किया था, वर्ड डॉक्यूमेंट, और इसे किस नाम से रखा है, प्राणनाथ के नाम से रखा है, और कब, 16 तारीख को। तो ये एक रिकॉर्ड मेंटेन करते जाता है, ऑटोमेटिक आपकी सारी एक्टिविटी का रिकॉर्ड बनाते जाता है कि आपने किस टाइम किस दिन पे कौन सा काम किया है। जैसे कि अभी मैंने एक छोटा सा काम किया था जो वर्ड फाइल ओपन किया था, ये उसका एक रिकॉर्ड बना लिया और रिकॉर्ड बना के यहाँ पे सेव कर लिया है। तो आपका ये जो मैनेजर है वो जब भी आपका ये आउटलुक चेक करेगा तो ये देखिए टाइम के साथ आपके सारे रिकॉर्ड बने हुए हैं, और उसे देख के वो बड़ी आसानी से पता लगा लेगा कि आपने इस टाइम पे कौन सा काम किया और इस टाइम पे कौन सा काम नहीं किया। आप पीछे जाके देखिए आपने कोई काम किया, तो नहीं हमने पीछे कोई काम नहीं किया है। तो देखिए अभी हमने काम किया था तो उसका एक रिकॉर्ड बना है। अब इस रिकॉर्ड को सेव करने के कई तरीके हैं। एक तो पहला तरीका है कि इसे आप डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक करने पे देखिए एक बॉक्स ओपन होता है और आप इसे सेव कर सकते हैं, और सेव करेंगे तो ये क्या होगा, यहीं पे सेव हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर आप इसे किसी को भेजना चाहते हैं तो इसे डबल क्लिक कीजिए, और ये देखिए आपका ये वर्ड फाइल है ये यहाँ पे आ गया। अब आप किसी और को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ये देखिए फॉरवर्ड दिख रहा है, फॉरवर्ड पे क्लिक कीजिए। आप जिसको भेजना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी यहाँ पे लिखिए, देखिए हमने लिख लिया। और कुछ और डिटेल देखना चाहते हैं या डेटा देना चाहते हैं दे दीजिए और सेंड कर दीजिए, तो वो डिटेल उस पर्सन को भी सेंड हो जाएगा जिसका आपने ईमेल आईडी डाला है। ठीक है, तो अगर इसे हम क्लोज कर लेते हैं और ये देखिए आपका जनरल एंट्री यहाँ पे बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जनरल एंट्री है वो यहाँ से डिलीट हो जाए, किसी को दिखाई न दे, उसका तरीका है कि आप इसे राइट क्लिक कीजिए सेलेक्ट करके, और इसे क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। इसे आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं कि आपने किस टाइप का काम किया, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, तो ये कैटेगराइज भी कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा, देखिए एक कलर अलग से आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है,
अब देखिए हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो इसे देखिए सेलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कर दीजिए। तो ये देखिए आपका जो काम है, आपकी जो जनरल एंट्री थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। अब किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है, ठीक है। तो इस तरह से हम जनरल एंट्री पे काम कर सकते हैं, और जनरल एंट्री एक तरह का हमारे एक तरह से हमारे कामों का रिकॉर्ड होता है, ट्रैक रिकॉर्ड, कि हमने किस टाइम पे क्या काम किया है, किस टाइम पे क्या काम किया। आई होप आप लोगों को ये जनरल एंट्री अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।